तो स्मार्टफोन्स के अंदर काफी कुछ होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। वो जस्ट ये सोचते हैं कि मैं महंगा फोन लूंगा और मेरा सारा सारा काम खत्म हो जाएगा और मेरी सारी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी और जस्ट मैं ऐसे खड़ जाऊंगा लाइक ऐसे करके और महंगा फोन लूंगा और ऐसे वीडियो बन जाएगी। अगर आप ऐसे सोचते हो तो फिर सोचते रहो, आपकी मर्जी है। और सबसे पहले आपने आना है लेफ्ट साइड के ऊपर और यहाँ से आपने चूज करना है रेजोल्यूशन। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक वन प्लस का फोन है और आप बनाना चाहते हो सिनेमेटिक वीडियोस को, पर आपको नहीं पता है कि इस तरीके से आप बना सकते हो और कौन सी होती है सही कैमरा सेटिंग्स जिसकी वजह से आप शूट कर सकते हो कमाल की सिनेमेटिक वीडियोस को अपने वन प्लस के फोन के साथ, अगर आपको नहीं पता है तो सब कुछ आपको समझाने वाले इस वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। और जिनको डाउट होता है यार कि मेरे पास तो सिर्फ एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो यार मेरी तो क्वालिटी अच्छी आएगी नहीं, और बहुत सारे बंदे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं वीडियोस को शूट करते वक्त कि वो सही सेटिंग्स का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जब वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर और उनके पिक्सल्स फट जाते हैं, कि जिसकी वजह से फिर वो बोलते हैं यार कि मेरा फ़ोन ख़राब है, फ़ोन अच्छा नहीं है, फ़ोन का कैमरा सही नहीं है। फ़ोन का कैमरा सही होता है पर आप उसकी सेटिंग्स को सही से यूज़ नहीं करते हो। और वन प्लस के अंदर एक हिडन सेटिंग है जिसको यूज़ करके आप कमाल की सिनेमाटोग्राफी कर सकते हो और कमाल की सिनेमेटिक रील्स को शूट कर सकते हो जस्ट अपने वन प्लस फोन को यूज़ करके। सो बहुत ही कमाल की हमारी आज की इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे आपको बताने में काफ़ी कमाल की कैमरा सेटिंग्स आपके वन प्लस फ़ोन की। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी लाइटिंग किस तरीके से आ रही है, मतलब कि इस साइड से आ रही है तो वहाँ से आपने शूट करना है। अगर मैं अपने फ़ोन को यहाँ पे रख के वीडियो को शूट करता हूँ तो यहाँ पे लाइट उतनी अच्छी नहीं आ रही है। अगर मैं अपने फ़ोन को यहाँ से घुमा के उस साइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो स्काई का टोन कितना अच्छा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ अपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को तो यहाँ पे होगा मैजिक और एक तरीके से बिल्कुल सिनेमैटिक फैक्टर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो आपने चेक करना है कि लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा लेंस और कौन सी लाइटिंग कंडीशन आपको सूट कर रही है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट होता हूँ, ठीक है, अब सपोज करो कि मैं यहाँ से यहाँ पे आके वीडियो को शूट करता हूँ तो यहाँ पे लाइटिंग ऑपोजिट आ रही है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि लाइटिंग कहाँ से सही आ रही है, तभी आपने वीडियो को शूट करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपके जो लेंसेज हैं, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो आपके लेंसेज हैं ये प्रॉपरली साफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। ऐसे कि आपके डस्ट लगी हुई या फिर आपके हाथ का कोई स्टेन लगा हुआ है, बहुत सारे बंदे चेक ही नहीं करते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि मेरी तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है। क्योंकि भाई आप चेक ही नहीं करते कि आपका लेंस प्रॉपरली सही से काम कर रहा है, उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है या फिर आप जो शूट कर रहे हो वहाँ पर लाइटिंग कैसी है और आपकी कैमरा सेटिंग्स कौन सी है। जस्ट वो क्या करते हैं, फ़ोन को ऑन किया कि भाई मैंने तो 30,000 रुपये खर्चा है, 50,000 रुपये खर्चा है और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा और मैं ऐसे खड़ जाऊँगा और मेरी वीडियो बनके आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बंदों को यहाँ पे डाउट होता है कि अगर मेरे फ़ोन के अंदर 4K होगा तो वो फ़ोन अच्छा काम करेगा और 1080 भी उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आप गलत हो। आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग कौन सा रेजोल्यूशन वो अच्छे से शूट करता है, मतलब कि आपके फ़ोन की कैपेबिलिटी क्या है। बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं जो 4K पे अच्छे शूट करते हैं और बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं जो 4K पे अच्छे शूट नहीं करते हैं, और उनके लिए उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए 1080p। और सबसे पहले आपने आना है लेफ्ट साइड के ऊपर और यहाँ से आपने चूज़ करना है रेजोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 720p, 1080p और 4K, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इस वीडियो के लिए 1080p, ओके। और फिर आपको ऊपर आना है, जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, जो 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, और वहाँ पर आके आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्रेम रेट। तो आपने चेक करना है कि आपने किस फ्रेम रेट पे शूट करना है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप शॉट्स लेने हैं या फिर आपको काफ़ी अच्छा स्लो मोशन करना है स्मूथ सा, तो फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो 60 FPS को। अगर आपने नॉर्मल वीडियो को शूट करना है बिल्कुल एक नेचुरल मोशन के साथ कि जैसे कि हमारी आंखों को आरज़ होती है देखने की, तो फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो 30 FPS को। और आज की इस वीडियो में कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ 30 FPS का और 60 FPS का, और फिर हम यहाँ से जाएंगे 60 FPS के ऊपर और फिर आपने नीचे आना है, ठीक है। और नीचे आके इस फ़ोन के अंदर तो OS का सपोर्ट है, तो अगर आपके फ़ोन के अंदर OS का सपोर्ट है तो आपने यहाँ से इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन नहीं करना, मतलब कि अल्ट्रा स्टडी को आपने ऑन नहीं करना यहाँ से, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप जैसे ही अल्ट्रा स्टडी को ऑन करोगे तो यहाँ से आप ध्यान से नोटिस करना कि जो मेरी वीडियो है मतलब कि थोड़ी सी क्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे मैं अल्ट्रा स्टडी को ऑन कर रहा हूँ तो मेरी जो वीडियो है हल्की सी क्रॉप हो रही है, इसकी वजह से आपका रेजोल्यूशन थोड़ा सा मतलब कि लो हो सकता है। तो आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी OS का सपोर्ट है तो आपने नेचुरली OS का यूज़ करना है। और फिलहाल मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ 30 FPS, ठीक है। और जैसे मैं 30 FPS सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 0.6x मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ अपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के ऊपर तो यहाँ पे देखो कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है, स्काई का टोन कितना अच्छा है, क्योंकि इस फोन का जो सा मतलब कि कैमरा सेंसर है वो सोनी का है
और डायनामिक रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है इस फोन से कि अगर मैं यहाँ पे शूट करता हूँ सीन अच्छा लग रहा है, पर मुझे लेना है कि यहाँ पे क्लोजअप शॉट लेना, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे क्लोजअप लेना है इस सब्जेक्ट का तो मैं कैसे ले सकता हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा 1x को, और 1x को सेलेक्ट करके सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट के पास आना है और आपने अपने सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, मतलब कि उतना रखना है कि जिसकी वजह से आपका जो सा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाए नेचुरली, मतलब कि आपने सिनेमैटिक मोड नहीं यूज़ करना, आपने नेचुरली ब्लर करना है। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही अच्छा नेचुरल लुक आता है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके जैसे आपको लगता है कि आपका सीन परफेक्ट है तो आपने लॉक करना है फोकस को और एक्सपोजर को। अगर आप अपने सीन को यहाँ से लेके जाओगे, यहाँ पे आओगे, तो आपकी लाइटिंग शिफ्ट हो जाएगी, और अगर आप उसको बाद में कलर ग्रेड करते हो या फिर कोई इफेक्ट को लगाते हो तो बाद में उसको आप सही नहीं कर सकते। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट खड़ा है, मॉडल है, कोई प्लांट है, किसी भी तरीके से आप वीडियो को शूट कर रहे हो और जहाँ भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो वहाँ पे आके आपने सिंपली टैप करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और टैप करके आपने लगातार टैप करना है स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर लॉक। अगर आप अपने कैमरा को मूव करते हो, आपका कैमरा मूवमेंट में जाता है, यहाँ से यहाँ पे आता है या फिर कहीं भी जाता है, तो आपकी जो सी लाइटिंग एडिशन है और आपका जो सा फोकस है वो नहीं हिलेगा। बहुत सारे बंदे इसको चेक ही नहीं करते हैं और ऐसे अपने रील्स को अपलोड कर देते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और फिर उनकी क्वालिटी पिक्सलेट हो जाती है और क्वालिटी खराब हो जाती है। और यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं चेक करते सेटिंग्स को और डायरेक्टली अपनी वीडियो को शूट करके वो डाल देते हैं कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है। सो जैसे आप अपना फोकस और एक्सपोजर को लॉक करोगे यहाँ पे, और लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे स्लाइडर शो होगा, मतलब कि जो सा आपको सन सा दिख रहा है, और सन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसकी वजह से आप अपने वीडियो के अंदर ब्राइटनेस को सेट कर सकते हो कि आपने कितनी अपनी वीडियो को ब्राइट करना है, मतलब कि एक्सपोजर को आप सेट कर सकते हो यहाँ से। अब जैसे मैं प्लस करूँगा यहाँ पे तो वीडियो हमारी ब्राइट हो जाएगी, और अगर मैं जैसे इसको माइनस में करूँगा तो वीडियो मेरी डार्क हो जाएगी। पोज करो कि आप किसी ऐसी लाइटिंग कंडीशन में हो कि जहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइट को। और फिर हम जाएंगे मेन सेटिंग्स के अंदर, सीक्रेट सेटिंग्स के अंदर वन प्लस की। तो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आना है, और यहाँ पे हमें जाना है लाइंस के ऊपर, मतलब कि जो आपको दिख रही है थ्री लाइंस, और थ्री लाइंस के ऊपर आके आपने क्लिक करना है, और फिर आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर। और जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे, सबसे पहले आपने यहाँ से चूज़ करना है ग्रिड एंड गाइड्स को, ठीक है। मतलब कि यहाँ से आपने चूज़ करना है ग्रिड को, कि जिसकी वजह से जो आपका रूल ऑफ थर्ड्स होगा वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर लाइन दिख रही है, मीन्स कि इन लाइंस की वजह से आप एक ग्रेट कॉम्बिनेशन को बना सकते हो अगर आपने कोई सीन को कंपोज करना है। अब जैसे कि मैंने लाइंस के बिल्कुल सेंटर में अपने सब्जेक्ट को रखा हुआ है, कि जिसकी वजह से मुझे पता होगा कि अगर मुझे अपने फ़ोन को मूव करना है तो जो सा मेरा सब्जेक्ट है वो मेरी लाइंस के बीच में रहना चाहिए, अगर ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो मेरी कॉम्पोजिशन ख़राब हो जाएगी। तो इसकी वजह से आप उसको यूज़ करके काफ़ी कमाल की अपनी सिनेमैटिक वीडियोस के अंदर कॉम्पोजिशन बना सकते हो। और फिर हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और फिर आपने नीचे आना है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है फोकस लॉक के ऊपर। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो सा फोकस होगा, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे और स्क्रीन के ऊपर टैप करते वक्त ही आपका फोकस वहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट के ऊपर, और फिर आपने नीचे आना है यहाँ पे। और यहाँ पे मोस्टली बंदे इस चीज़ को ऑफ करके रखते हैं, हाई एफिशिएंसी वीडियो को, कि जिसकी वजह से उनकी जो सी वीडियो होती है वो लोअर क्वालिटी के अंदर शूट हो रही होती है, उनको पता ही नहीं होता है, और यहाँ से उनका स्विच ऑफ होता है, और फिर वो बोलते हैं कि मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है या फिर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे यूज़ करना है हाई एफिशिएंसी वीडियो को। इसमें थोड़ी सी आपकी स्पेस ज़्यादा लगेगी, मतलब कि एमबी ज़्यादा मतलब कि लग सकती है, पर जो क्वालिटी निकल के आएगी वो आपको भी पता लगेगा वीडियो के एंड में। और फिर आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने ऑन कर देना है शो डर्टी लेंस वार्निंग, मतलब कि अगर आपका लेंस वगैरह गंदा है फ्रंट का या फिर रियर का, तो यहाँ से आपको फ़ोन बता देगा कि जिसकी वजह से आप उसको साफ़ करके आपका शॉट ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, ऐसे पकड़ा होता है उन्होंने फ़ोन और उनके स्टेन लगे होते हैं, कि जिसकी वजह से वो ना ख़राब सा हो जाता है लुक सारा। और फिर मैं आऊँगा ऊपर, और यहाँ से हम जाना है ऑडियो मोड के अंदर। अब बहुत सारे बंदों को यहाँ पे नहीं पता होता है कि जो आपका सीन होगा उसी अकॉर्डिंग आपका ऑडियो चेंज हो जाएगा। अगर आप जूम इन कर रहे हो, जूम आउट कर रहे हो, या फिर आप कुछ मतलब कि आपके आसपास नॉइस आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस है और आपके पास कोई माइक नहीं है ऐसे वाला, अगर आप अपने फ़ोन से शूट कर रहे हो, ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसको ऑन करके आपको मिलेगा कमाल का रिजल्ट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस सिलेक्शन की, कि कौन सा लेंस कब आपने किस तरीके से यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करूँगा, मतलब कि सिनेमैटिक शॉट्स लूँगा और आपको मैं हल्का हल्का बीटीएस दिखाता रहूँगा, ठीक है। और सबसे पहले अब जैसे कि मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ अल्ट्रा वाइड को, और जैसे मैं जाऊँगा 0.6x के ऊपर, और अल्ट्रा वाइड को आपको तब यूज़ करना है कि जब आपको बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक फील लेके आनी वीडियो के अंदर और आपको वाइडर व्यू दिखाना है। तो वाइड के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है अल्ट्रा वाइड, और अल्ट्रा वाइड से क्या होता है कि आप हाथ के साथ भी मूवमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई गिम्बल नहीं है या फिर आपके पास कोई सेल्फी स्टिक नहीं है, कोई भी आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, और जैसे मैं मूवमेंट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप मूवमेंट करके भी शॉट को ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1x को तो उतना मैं नहीं मूवमेंट कर पाऊँगा, थोड़ा सा कम कर पाऊँगा। अगर मैं वहीं पर यूज़ करूँगा 0.6x को तो यहाँ से मैं अच्छे से मूवमेंट कर पाऊँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं सिनेमैटिक शॉट्स, और फिर आप देखो कितनी कमाल की हमारी सिनेमैटिक वीडियो बन सकती है जस्ट हमारे वन प्लस फोन को यूज़ करके और अपनी सही सेटिंग को यूज़ करके।
सो दोस्तों ये थी हमारी आज की कमाल की वीडियो, किस तरीके से आपने अपने वन प्लस के फ़ोन को यूज़ करना है। तो एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो यहाँ पे कि मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है या फिर मेरा फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा है। सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप लगाओगे दिमाग और थोड़े से ट्रिक को। अब यहाँ पे ये वाले फ़ोन नहीं है, फीचर फ़ोन नहीं है, ये स्मार्टफोन्स हैं। तो स्मार्टफोन्स के अंदर काफ़ी कुछ होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। वो जस्ट ये सोचते हैं कि मैं महंगा फ़ोन लूँगा और मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी और जस्ट मैं ऐसे खड़ जाऊँगा लाइक ऐसे करके और महंगा फ़ोन लूँगा और ऐसे वीडियो बन जाएगी। अगर आप ऐसे सोचते हो तो फिर सोचते रहो, आपकी मर्जी है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी मिलूंगा इस वीडियो के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।